हेलो फ्रेंड्स, आर यू प्लानिंग फॉर एमबीबीएस मेडिसिन, डेंटिस्ट, डॉक्टरेट और नर्सिंग इन यूरोप? थिंक जॉर्जिया। जॉर्जिया इज इन यूरोपियन यूनियन। यस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेनिगन। पहले क्या होता था, लोग एमबीबीएस के लिए यूक्रेन और रशिया काफी जाते थे, और आपको मालूम है कि अभी क्राइसिस के कारण वो कंट्री सेफ नहीं है। अभी वीडियो में आपको जो मैं कैप्चरिंग दिखा रहा हूँ, मेरी पर्सनल विजिट है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। हमारे पास मोर देन 20 जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आप मेडिसिन से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स, आइदर इट्स अ नर्सिंग और एमबीबीएस, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, आर्ट्स और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड लैंग्वेज प्रोग्राम्स, इसके अलावा ये आप सभी कर सकते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, तकरीबन 3,000 USD से लेकर मैक्सिमम 8,000 USD तक पर साल, पर एनम अप्रोक्सीमेट होता है। जो मेडिकल स्टडीज की फीस है एमबीबीएस की, एक साल की 4,500 USD है और मैक्सिमम 8,500 USD तक जाती है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी यूनिवर्सिटीज के नाम डाल देता हूँ। आपको इनमें से कहीं भी एडमिशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जो मिनिमम फीस है वो 4,500 USD है एक साल की। इसके अलावा जॉर्जिया जाने पर आपको एयरपोर्ट पिकअप, लोकल सिम, सिटी टूर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, रेजिडेंसी अप्लाई करना और हॉस्टल फैसिलिटी भी चाहिए। इवन दिस इज अवेलेबल अंडर वन रूफ। हमारी कंपनी ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। जॉर्जिया की जो कैपिटल है वह तबलिसी है। नेबर कंट्रीज जो हैं इसकी, अजरबैजान, अर्मीनिया, टर्की और वन साइड ब्लैक सी है। जॉर्जिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ बहुत घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ठंडा है। मिनिमम टेम्परेचर तो माइनस में 5-10 भी हो जाता है जो हिली एरियाज हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री ही होता है और मैक्सिमम 32-35, लेकिन जब इतना भी होता है 35 तो बारिश हो जाती है। रिसेंट आई विजिटेड जॉर्जिया, ये वहीं की कैप्चरिंग है, जस्ट इसी महीने की या 12 तारीख की, 12 मई की और 13 मई की। तो वहाँ इतनी सर्दी थी कि हमें जैकेट पहननी पड़ी। वेदर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, कंट्रीज आर क्राइम फ्री। लोकल लैंग्वेज इनकी जॉर्जियन है, इसको कार्तुली भी बोलते हैं। करेंसी इसकी जेल है जिसको लारी भी बोलते हैं। इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू 32 रुपीज़ है। कंट्रीज कंप्लीटली क्राइम फ्री। मुख्य रिलीजन जो धर्म यहाँ का है, जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स हैं, 11% मुस्लिम हैं और बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं। यहाँ की जो जीडीपी या मैक्सिमम टूरिज्म पर डिपेंड है, इसके वन साइड ब्लैक सी है जिसको काला सागर कहते हैं और वहाँ की ब्यूटीफुल सिटी है बातुमी। जॉर्जिया एमबीबीएस से पहले अगर आप वैसे ही जॉर्जिया घूमने जाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप एक बार जाएंगे, इट इज इक्वलेंट टू जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, कुछ भी नाम ले लीजिए। जॉर्जिया ईस्टर्न यूरोप है, बस फर्क इतना है कि ये शेंगेन का पार्ट नहीं है। इसको यूरेशियन कंट्री भी कहते हैं, लेकिन ये एशिया में नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ एशियन यूरेशिया, तो जो मिडल बेल्ट आ जाती है तो यूरेशिया भी कह देते हैं। इट्स अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट माइट बी कमिंग फ्यूचर ये शेंगेन में भी आ जाए। सो वी हैव एमबीबीएस, वी हैव डेंटिस्ट प्रोग्राम्स, आपने एमडी करनी है, आपने एमएस करना है, नर्सिंग करनी है, यू कैन थिंक प्लान फॉर जॉर्जिया। नर्सिंग की फीस तो 3,000 USD एक साल की है और 4 ईयर प्रोग्राम है। हायर स्टडीज ओवरसीज करने के बाद यू नो कि सेटिंग के अच्छे चांस रहते हैं। और एमबीबीएस की फीस मिनिमम 4,500 USD है। 100% एडमिशन अवेलेबल। लेटेस्ट इनटेक जो है अक्टूबर की है, उसके बाद मार्च इनटेक है, और इसमें आइल्स, टॉफल, ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। यस, नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है एम्बेसी को, यूनिवर्सिटी की ओर से कोई डिमांड नहीं है। वीज़ा होने के बाद आप एक साल की फ़ीस पे करते हैं और बाकी फीस जो है साल भर साल पे करते चलते हैं। एमबीबीएस 6 ईयर्स की होती है, आप सभी को पता ही है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को वैसे तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतना समय ही नहीं होता। और जो दूसरे कोर्सेज में बच्चे अगर विचार कर रहे हैं, जैसे आईटी या मैनेजमेंट में, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड कैपेबिलिटी,
अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हमारी ओर से अवेलेबल है, 3 टाइम मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड मॉर्निंग टी। सो हॉस्टल अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। सभी यूनिवर्सिटीज में तो जाया नहीं जा सकता, इसके अलग अलग कैंपस हैं। और जो ये बिल्डिंग को हम कैप्चर कर रहे हैं, इसकी 8 मंजिला है, सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कहीं फाइन आर्ट्स है, कहीं डेंटिस्ट है, कहीं मेडिसिन का है, कहीं MBBS का है, BBA है, MBA है, IT का है, लॉ का है, सोशल स्पोर्ट ऐसे करके कुछ प्रोग्राम है उनके, उसके बारे में है। सो बहुत बढ़िया ही कैंपस है इसका। और यहाँ पर तकरीबन जो देखा गया है, सारी दुनिया से ही बच्चे पढ़ने आते हैं। गल्फ से काफ़ी आते हैं, इंडियन तो है ही हैं, नेपाल से हैं, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका से भी देखे गए हैं। फीस स्ट्रक्चर इनका ज़्यादा नहीं है, एडमिशन 100% अवेलेबल है हमारी कंपनी की ओर से। नियरेस्ट इनटेक इज वेरी सून, आप प्लान कर सकते हैं विद एयरपोर्ट पिकअप, रेजिडेंसी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज। सो थिंक MBBS, थिंक यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, थिंक जॉर्जिया। प्रीवियसली लोग जैसे आपको बताया था कि रशिया में जाते थे, यूक्रेन जाते थे, और रिसेंट हमने क्राइसिस वहाँ पर देखे ही हैं, अर्मीनिया, फिलीपाइंस, चाइना। आई डोंट थिंक कि मेरे को नहीं लगता इतना बढ़िया है, ये कंट्रीज भी मैंने ट्रेवल की हैं। एंड फाइनली आई हैव टाइप्स विद जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज, मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना पर्सनल नंबर और ऑफिस एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कभी एनी हाउ फ़ोन ना उठा पाए, काइंडली डू व्हाट्सएप मैसेज, यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली। और अगर आप वंस जॉर्जिया विजिट करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू सी ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली, नो इशूज़, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम आपका जॉर्जिया का वीज़ा फाइल करेंगे और आप वहाँ पर जाकर इसको देख भी सकते हैं। मेरे हिसाब से वर्चुअल टूर में सब कुछ क्लियर हो जाता है, बाकी आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉर्जिया। अगर आपको मोर नॉलेज चाहिए, कुछ क्रॉस इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आप बात कर सकते हैं। दिस इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ MBBS।